अच्छा ये बताइए, पंडित जी की कथा और बीबी की बातें दोनों एक ही समान होती हैं क्या? हाँ लाला, समझ में कुछ नहीं आता है, फिर भी ध्यान लगाकर सुनने का नाटक करना पड़ता है। आखिर तुम मेरे भविष्य के बारे में क्या जानना चाहती हो? आप अपने बीते हुए कल के बारे में हमें बता दें, उस हिसाब से हम आपका भविष्य खुद तय कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ और मैं कब तक रहूंगा? जब तक किसी दूसरी पुजारिन का पता नहीं चल जाता। अच्छा ये बताइए, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो आपने मुझसे शादी की? तुम्हारे गाल पर जो छोटा सा तिल है उसे देखकर। ओह इतनी छोटी सी चीज देखकर? वही तो मैं सोचता हूँ, इतनी छोटी चीज के लिए मैंने इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। अगर लड़कियां पराया धन होती हैं तो फिर लड़के क्या होते हैं? लड़के चोर होते हैं। मतलब? क्योंकि चोरों की नजर हमेशा पराये धन पर होती है। ओ हाय, पहचाना नहीं क्या? नहीं, मैंने कार्टून देखना बंद कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, गूगल मेल होता है या फीमेल? फीमेल, क्योंकि अपना सवाल पूरा होने से पहले ही वो उसका सजेशन देना शुरू कर देता है। आई लव यू। कुछ नया बता। आई एम प्रेग्नेंट। इसमें क्या नया है? इस बच्चे के बाप आप नहीं हो। बहू ये तुम्हारा ससुराल है, बोलने से पहले थोड़ा ध्यान रखा करो। मम्मी जी मायका तो ये आपका भी नहीं है, थोड़ा ध्यान आप भी रखा करो। तुम्हें हमारी पड़ोसन कैसी लगती है? कहीं इसने मुझे उसके साथ घूमते हुए तो नहीं देख लिया? नहीं नहीं ये तो घर पे थी। ये मैं भी पागल हूँ, मैं पराई औरतों को नहीं देखता। कल उसने एक साड़ी पहनी थी, बड़ी महंगी लग रही थी, शर्मा जी दिलाए होंगे। और परसों भी एक बहुत महंगा सूट पहना था। शर्मा जी कितना ध्यान रखते हैं अपनी बीबी का। और पता है शर्मा जी, अरे क्या शर्मा शर्मा लगा रखा है, शर्मा कितनी औकात है, 10,000 की साड़ी दिलाएगा। और परसों वो जो सूट पहनी थी ना ब्लू वाला, वो भी मैंने। शादी को साल भर हो गए, तुमको नहीं लगता एक बेबी कर लेना चाहिए? इतनी जल्दी क्या है, अभी 2 साल बाद प्लान करेंगे। घर वाले कह रहे थे घर सूना सूना लग रहा है, एक छोटा बच्चा होता तो पूरे घर में पापा पापा कह के भागता चिल्लाता दौड़ता। इतनी ही जल्दी थी तो पहले बोलना था, साथ में ही लेके आ जाती। ये किसकी फोटो है? अरे वाह ये तो मेरी फोटोज है। तुमको एक बात बताऊं, जानकर तुमको अपने पति पर प्राउड फील होगा। अच्छा। बचपन में आसपास कहीं भी जन्माष्टमी होती थी, लोग मुझे ही कृष्ण बनाते थे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें छोड़कर सारे लड़के गोरे रहे होंगे। जोर का झटका। क्या फायदा है तुम्हारे वकील होने का? शर्मा जी को देखो, एक छोटी सी दुकान चलाते हैं फिर भी उनके घर में टीवी एसी फ्रिज सब है। तुम कब लाओगे? थोड़ा सब्र करो, एक तलाक का मुकदमा मेरे हाथ लगा है, अब जैसे ही उनका घर उजड़ेगा हमारा घर बच जाएगा।